आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम हितेश चौधरी, मैं सूरत जिले का मांडवी तालुके में रहने वाला हूँ। हितेश भाई नमस्ते। नमस्ते। तो आप मांडवी तालुका से हैं? हाँ। तो आज आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। हाँ सर। तो आप तो मांडवी के ही रहने वाले हैं कि कुछ इंटीरियर आदिवासी गांव में से हैं? सर मैं मांडवी तालुका अमरखाड़ी गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। हितेश बताइए आप क्या करते हैं और मांडवी का हाल क्या है? सूरत जाना आना होता है कि मांडवी में ही रहते हैं? धंधा पानी कैसा चल रहा है? प्रधानमंत्री जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं खेती काम करता हूँ, हमारा धंधा पानी सब ठीक ठीक ठाक चल रहा है। जो अब ज्यादातर लोगों वैक्सीन के लग गई है तो कोरोना की वजह से दिक्कत की कम हो रही है। यहाँ सूरत के लोग सावधानी के कोरोना से लड़ रहे हैं और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। देखिए सूरती लोगों की विशेषता है, मैं तो पहले देखता था कितनी बाढ़ आई हो, लेकिन वो उनका हंसी मजाक मस्त मिजाज है, वो सूरत के लोग कभी नहीं छोड़ते, संकट में भी नहीं छोड़ते। सरकार ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत रही है। इन आदिवासी क्षेत्रों में खास करके, क्योंकि आप तो आदिवासी समाज से आते हैं, उनके बीच में रहते हैं, उन लोगों को आपने कैसे जागरूक किया, उनको इस सारे काम के लिए कैसे लोग आगे आए? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन करवा लिया है, आदिवासी भाई बहनों ने नहीं करवा लिया है। प्रधानमंत्री जी हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को कोरोना की गाइडलाइन के पालन के लिए प्रेरित किया है। आपने जो मास्क को लेकर वैक्सीन को लेकर जो भी बातें कही है, हमने घर घर तक लेकर लोगों को समझाया है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने के लिए गुजरात के लोगों का आप पर गर्व है। कल मेरे विदेश में अपने दोस्त हिरेन पटेल से बात हुई थी, वो बता रहा था सर। हाँ, आपके जिले के तो सारे लोग हर घर से कोई न कोई विदेश में है। इसके देश में वैक्सीन को लेकर कई तरह की दिक्कत हो रही है, फिर भी मैंने उसे बताया है कि गुजरात में इतना अच्छा काम हुआ, जिस तरह हमारा यह वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट मिला, वो जब मैंने उसे बताया तो हैरान रह गए। आप आज भी यहाँ सूरत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरी तेजी से चल रहा है। देखिए हितेश भाई, आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम मैं चला रहा हूँ। देखिए ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ और उसका क्रेडिट सिर्फ मुझे जाए वो अच्छा नहीं है, ये तो 130 करोड़ देशवासी बिल्कुल एक संगठित होकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिस, हमारे वैज्ञानिक, न जाने कितने लोगों ने परिश्रम किया है तब जाकर के इतनी बड़ी सिद्धि हमने प्राप्त की है। और पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था, दशकों तक दुनिया में वैक्सीन आ जाती थी लेकिन हम तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन आज हमारी अपनी वैक्सीन है, आत्मनिर्भर हुए हैं हम, तो आज देशवासियों को बचाने में लोगों में भय कम है, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि वैक्सीनेशन से जीवन बच सकता है। लेकिन हितेश भाई मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें बताई। देखिए पन्ना प्रमुख के नाते हमें हर घर का जिम्मा लेना है, हर घर की चिंता करनी है,